जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ SAIL यानी कि सेल न्यू रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर SAIL बोलते हैं। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट, दोस्तों ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब नेम यानी कि किन पदों पर ये भर्ती जारी की गई है, मेडिकल ऑफिसर, माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट, सर्वाइवर माइंस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एंड नर्सिंग सिस्टर ट्रेनी, इन पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज के अंदर 148 है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया के अंदर होगी और आप लोग अक्रॉस इंडिया से ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। अब चाहे आप भारत की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसमें आवेदन कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2019 है। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। और यहाँ पर मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे ही 1 दिसंबर को आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑफिशियल वेबसाइट sale.co.in, इसके अलावा sale.career.com, इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं, पर उसके पहले आप यहां पर वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। एग्जीक्यूटिव कार्डरे के अंदर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए एक पद है। और नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डरे के अंदर माइनिंग फोरमैन, इसके लिए 40 पद, माइनिंग मेट के लिए 51 पद, सर्वाइवर माइंस के लिए 9 पद, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 17 पद, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 20 पद और नर्सिंग सिस्टर ट्रेनिंग के लिए 10 पद निकाले हैं, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 148 पद। अब देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मेन जानकारी, जो कि आपकी आती है सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आवेदन करने के लिए आपसे कौन सी योग्यता मांगी है। तो दोस्तों अगर आपके पास 10वीं डिप्लोमा, BSc या फिर BDS की योग्यता, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अभी आपके मन में सवाल आया कि एग्जैक्ट बताइए कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो अभी आप थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक एक करके पोस्ट वाइज बताने वाला हूं कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। एज लिमिट यहां पर दोस्तों आपकी जो रखी गई है MO पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल है एंड जो आपकी अन्य पोस्ट है उसके लिए 28 साल रखी गई है। सिलेक्शन आपका जो किया जाएगा वो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू ओनली फॉर MO, यानी कि जो इंटरव्यू है वो सिर्फ आपका मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर होगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट एक्सेप्ट MO, जो MO की पोस्ट है इसको छोड़ करके सभी पोस्ट पर आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी, यानी कि आवेदन करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी है, तो आप देख लीजिए मेडिकल ऑफिसर डेंटल पर आपको जनरल OBC EWS से आवेदन करने के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है और SC ST को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और जो अन्य पोस्ट बचती है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, इन सभी पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जनरल OBC EWS को 250 रुपये देनी है और माइनिंग मेट एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV पर आवेदन करने के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है और SC ST को किसी भी पोस्ट पर आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, यानी कि फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहां पर पोस्ट वाइज जान पा रहे हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं और उस पोस्ट पर आपको एग्जैक्टली क्या सैलरी दी जाएगी। तो आप यहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव कार्डर के अंदर भी देख लीजिए कि इसमें आपकी कितनी पोस्ट है, उस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी एग्जैक्टली दी जाएगी, वो आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। अब दोस्तों नीचे आप देखोगे कि एग्जैक्टली जो वैकेंसी हो तो आपने ऊपर देखी, पर यहां पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख पा रहे हो कि किस पोस्ट की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और किस माइंस के लिए निकाली गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है जानने के लिए कि हमारी कैटेगरी में एग्जैक्टली कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहां पर जो आपने एज लिमिट देखी, उसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जाएगी और OBC NCL को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब नीचे आप देख लीजिए एग्जैक्टली पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, तो यहां पर जो आपकी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इस पर आवेदन करने के लिए आपसे BDS की योग्यता मांगी है, साथ ही 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है। माइनिंग
फोरमैन पोस्ट प्रावधान करने के लिए आपसे मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा यानी कि 10वीं, साथ ही आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर जो कि 3 साल का, और जहाँ पर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप जनरल OBC EWS से 50%, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपके कम से कम 40% होने चाहिए जो भी आपने क्लियर की है। इसके अलावा यहाँ से आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। जो आपकी अटेंडेंट कम टेक्निशियन ट्रेनिंग HMV की पोस्ट है इस पर आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है और इक्विवेलेंट या फिर उसके बराबर एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अर्थ मूविंग माइनिंग इक्विपमेंट, और साथ ही आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो दोस्तों ये थी आपकी मेन जानकारी और आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जो बात आती है आपकी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, तो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा ताकि आपको इस वीडियो में कन्फ्यूजन ना हो, तो आप उस वीडियो का भी वेट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।